सुनो मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ जो मेरे लब बेताब थे तुझे कहने के लिए, पर मैं जिंदगी भर कह नहीं पाया। आज फीलिंग है, वीडियोज है और ताजमहल है, और मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू। गाइज मैं आगरा पहुंच चुका हूं। मैं बता दूं मैंने बस ली थी ऋषिकेश से आगरा के लिए, और ये 420 किलोमीटर पड़ता है, और बस के लिए मैंने पे किए थे 900 रुपीज़, और बस स्लीपर थी और एसी थी, उसमें चार्जर लगा था। बस काफ़ी अच्छी थी और कंफर्ट थी, तो मैं रात 9:30 बैठा था और सुबह 7 बजे यहां पे पहुंच गया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो बस ले सकते हो। बस की जो कंपनी थी वो थी जय श्री गणेशा यात्रा, तो मैंने वो गो आई बीबो से बुक की थी, है ना। तो मुझे बड़ी आसानी हुई यहाँ पर आने के लिए। गाइज अभी मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। मैं बता दूं जो टिकट का प्राइस था वो इंडियंस के लिए 240 था, और फॉरनर्स के लिए वो था 1250 रुपये, है ना। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फोर्स करेंगे कि आप गाइड ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेना है या नहीं। और मैं बता दूं यहाँ पे ट्राईपॉड अलाउड नहीं था, लेकिन मेरा गिम्बल सिक्योरिटी ने अलाउ कर दिया। मेरे पीछे है गेट, इसके बाद हम देखेंगे जो 7 वंडर्स में एक है, वो है ताजमहल। शहर देखो ना बियां बां देखो, खुदा का एक लौता नाम निशान देखो, बस आंख उठाओ और रेहान देखो। गाइज मैं आपको बता दूं, आपको ऐसी टिकट और टोकन मिलता है, ये 3 घंटे तक वैलिड होता है, तो आपने 3 घंटे में इसे एक्सप्लोर करना है। पहले एक्सप्लोर कर लें, बाद में आप फोटोज़ ले लें, कहीं ऐसे ना हो कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएं। पता ही है ताजमहल शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज महल के लिए, और इसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है, और जो 7 वंडर्स हैं उसमें से ये एक है। सारे पैसे उसी के हैं। ताजमहल के इनसाइड जूते अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आपको जूते उतारने पड़ते हैं, फिर आप ताजमहल में जाते हो पैदल। मेरे पीछे जो नदी देख रहे हो वो है जमुना नदी, क्योंकि ये जमुना नदी पे बना हुआ है ताजमहल। अभी अंदर से देखते हैं, ये है वाइट मार्बल्स, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि 1631 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, और 1643 तक ये चला था, उसके बाद 10 साल और लगे इसको पॉलिश और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। इतना बड़ा टाइम लगा इसको बनाने के लिए।
अंदर ताजमहल के फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मुझे गाइड ने बताया कि अंदर दो मकबरे हैं, एक शाहजहाँ का है, एक उनकी वाइफ मुमताज़ मुगल का है, है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अंदर डिज़ाइनिंग की गई है पत्थरों पे, वो विदाउट मशीन के द्वारा की गई है, यानी कि सब कुछ हाथों से बना है। और लास्ट में उन्होंने बताया कि जो जहाँ पे लेबर्स थे, है ना, तो शाहजहाँ ने उनके हाथ काट दिए थे ताकि वो और इस तरह के इमारत ना बना सकें। लेकिन उन्होंने जब चेक किया लास्ट में, तो उन्होंने एक शेक कर दिया। अब जब भी रेन होती है तो मकबरे पे पानी आता है, तो वो अभी तक किसी से ठीक नहीं हुआ। तो ये भी है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी वंडरफुल है, दिल खुश हो जाता है ऐसी प्लेसेस पे आके हिस्ट्री जानकर। और मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है लाइक करना। पीछे मेरे म्यूज़ियम है, यहाँ पे बता रखा है कि जो स्टोन हुए थे कहाँ कहाँ से आए थे, काफ़ी देशों से आए थे यहाँ पे जो स्टोन यूज़ हुए थे ताजमहल को बनाने के लिए, और पूरा हिस्ट्री बता रखी है। फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, तो आप जा सकते हो, फ्री में एंट्रेंस है यहाँ की, तो आप देख सकते हो। अगर ताजमहल में आए हो तो म्यूज़ियम भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be in the afternoon. Couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. सुनो, मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जो मेरे लव बेताब थे, मैं जिंदगी भर तुमसे कह नहीं पाया। आज फीलिंग है, मैं ताजमहल पे हूँ, वीडियोज है, मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू। सीन चेक करें।